गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 4, गेटिंग टू नो प्लांट्स. सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स. गोपो, सिमी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे. ऑन द वे दे सी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम्स. अब ये जो तीन बच्चे हैं, क्या नाम है इनका, गोपो, सिमी और राज, ये तीनों लोग भी पैदल पैदल स्कूल जाते हैं हर रोज, और उन्हें जाते हुए रोज रास्ते में क्या क्या दिखता है, ब्यूटिफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम्स. वन डे गोपो एक्सक्लेम, इजंट नेचर जस्ट अमेजिंग, देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, आई वंडर इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल. अब एक दिन गोपो ने कहा कि ये नेचर कितना अमेजिंग है ना, है ना, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्टोरी है हमें बताने के लिए. सिमी अग्रीड. तो सिमी ने क्या कहा कि यस, द प्लांट्स कम इन सो मेनी साइजेस एंड शेप्स, वेरी टाइनी, स्मॉल, लार्ज, बुशी. उसने कहा कि हाँ, प्लांट तो अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप, कुछ टाइनी होते हैं, कुछ स्मॉल, कुछ लार्ज और कुछ बुश के जैसे. राज एडेड, थीन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल. उसने कहा थीन रहते हैं, कर्व रहते हैं, कुछ कुछ स्ट्रेट रहते हैं और कुछ कुछ एकदम टॉल रहते हैं. गोपू से, सम लीव्स आर रफ, सम स्मूथ, आई लव टू टच एंड स्मेल देम. तो गोपू ने कहा कि कुछ कुछ लीव्स कैसे होते हैं, रफ होते हैं, अगर उन्हें हम लोग टच करते हैं तो क्या होता है, हमें वो अपियरेंस कैसा लगता है उसका, रफ, कुछ कुछ स्मूथ होते हैं. देन आई लव टू टच एंड स्मेल देम. तो मुझे बहुत पसंद है उन्हें क्या करना, टच करना, उनके स्मेल लेना. सिमी सेड, लुक, दिस जामुन ट्री हैज नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स. कैसे है, जामुन ट्री के लीव्स थिक हैं और शाइनी है, ठीक है. इजंट इट योर स्पेशल ट्री, राज. राज अग्री. राज ने कहा कि यस इट इज़, यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स. कैसे फ्लावर्स आते हैं जामुन ट्रीज को, टाइनी वाइट फ्लावर्स, ठीक है. एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स. और फ्रूट्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के, विच इन फ्यू डेज टर्न रेड एंड देन पर्पल. उसके बाद उनका कलर कैसे हो जाता है, पहले ग्रीन रहते हैं देन रेड एंड पर्पल. वी एन्जॉयड प्लकिंग द राइट पर्पल फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री. तो हमें वो क्या, वो ट्री से वो पर्पल कलर के पके हुए फ्रूट्स प्लक करना अच्छा लगता है, तोड़ना अच्छा लगता था. देन सिमी स्माइल, इट्स सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दिस ट्रीज. उसने कहा कि ये कितना अच्छा एक, आप लोग देखो जैसे धूप रहती है और वो प्लांट के नीचे, पौधे ट्री के नीचे आप लोग नीचे खड़े रहते हो शेड में, तो कितना अच्छा लगता है. अब ना ट्रीज के बारे में लिखा है कि ट्रीज मतलब क्या होते हैं. ट्रीज हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड एंड मेनी ब्रांचेज दैट स्प्रेड आउट विथ लीव्स ऑन देम. ट्रीज हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन इन टू द सॉइल. अब नीचे जो है ना, ये सारे ट्रीज के एग्जाम्पल दिए हैं, मैंगो, कोकोनट, खेजरी, जैक फ्रूट, देन बनियान ट्री, अमलतास, पीपल एंड चिनार. अब देखो इसकी जो ट्रंक है मतलब स्टेम है, ये कैसी है, बिग है और उड़ी है, ठीक है. फिर क्या है, ब्रांचेस हैं, वो कैसे हैं, ढेर सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, स्टेम से निकली हुई और ढेर सारे लीव्स हैं. और इनके रूट्स कैसे रहेंगे, डीपली रहते हैं, डीप डाउन अंडर द सॉइल. देन नेक्स्ट श्रब्स, ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्री. अब सारे प्लांट्स तो इधर ट्री के जैसे ग्रो होते हैं, टॉल टॉल. लुक एट दिस प्लांट विथ प्रीटी रेड फ्लावर्स. अब यहाँ पर देखो वो प्लांट है, वहाँ पर वो तीनों भी खड़े हैं, वो कैसा है, प्रीटी रेड कलर के फ्लावर्स लगे हैं, सुंदर सुंदर. इट डजेंट हैव अ बिग ट्रंक. उसे बड़ी ट्रंक नहीं है ट्री के जैसे, सेड गोपो. इंस्टेड इट हैज़ मेनी ब्राउन वुडी स्टेम. एक सिंगल स्टेम, फिर उसके ब्रांचेस, ऐसा नहीं है, इसको ढेर सारे ब्रांचेस है, ब्राउनी है और उड़ी. देन दिस बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. इन्हें क्या कहते हैं, श्रब्स. आर तुलसी प्लांट एट होम इज अ श्रब, इनफॉर्म सिमी. सिमी ने कहा कि जो तुलसी प्लांट होता है घर में हमारे, वो भी क्या है, श्रब है. तो श्रब कैसे होते हैं, क्या किसे कहेंगे हम लोग श्रब्स. श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट विथ सेवरल वुडी स्टेम्स एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड. इसकी ब्रांचेस ग्राउंड के एकदम क्लोज होती है. ट्री में हमने क्या देखा था, पहले स्टेम रहता है बड़ा सा, फिर वहाँ से क्या होता है, उस स्टेम से फिर अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं. देन एग्जाम्पल दिए हैं श्रब के, हिबिस्कस, देन रोज, होली बेसिल मतलब
तुलसी और फिर करी लीफ। चलिए आगे पढ़ते हैं, हर्ब्स एंड ग्रासेस। वी हैव मिंट एंड टोमेटो प्लांट्स एट होम, देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, सेड राज। राज ने कहा कि हमारे घर में जो मिंट और टोमेटो प्लांट है उनके स्टेम कैसे हैं, सॉफ्ट और ग्रीन। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट्स विद टेंडर स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम उड़ी आर कॉल्ड हर्ब एट गोपू। तो गोपू ने क्या कहा कि मेरे ग्रैंड मदर ने मुझे क्या बताया है कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम जो है एकदम टेंडर होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है, जो कभी उड़ी नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स। सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास, लुक एट ऑल दिस डिफरेंट ग्रासेस। उसने दिखाया कि देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के ग्रासेस है, दे टू हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, उनकी भी स्टेम कैसे है, सॉफ्ट और ग्रीन। देयर लीव्स आर लॉन्ग थिंग एंड फ्लैट। यू आर राइट सिमी, डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू, इंक्वायर्ड गोपू। तो गोपू ने कहा कि ये ग्रासेस भी हर्ब ही होते हैं क्या, तो देखते हैं हर्ब मतलब क्या होता है। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम उड़ी। ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स। हर्ब के कैसे रहेंगे स्टेम, सॉफ्ट रहेंगे, जो कभी उड़ी नहीं बनते और ग्रीन रहते हैं। देन द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थीन एंड फ्लैट एंड देयर स्टेम्स आर हॉलो। देन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हर्ब के, मिंट, टमाटो, कोरिएंडर, मस्टर्ड और ग्रासेस में एक है वाइल्ड ग्रासेस दोनों भी। चलिए देन अब यहाँ पर ना कुछ ग्रेन्स के भी पिक्चर्स दिए हैं, पैड़ी, वीट, बाजरा, रागी, जवार, है ना, ये भी क्या है, ग्रासेस के एग्जाम्पल है। शुगर केन और बाम्बू, ये क्या है, टॉल ग्रासेस। देन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, लुक देयर इज अ वाइन वाइंडिंग अप द टॉल ट्री, एक्सक्लेम राज। राज ने कहा कि देखो एक बड़ा सा ये टॉल ट्री है और उसको ना एक बेल ने क्या किया है, वाइंड अप किया है, ठीक है। तो गोपू अग्री उसने कहा कि हाँ वाव यस, माई फ्रेंड जॉर्ज हैज़ अ मनी प्लांट इन हीज हाउस। मेरा एक दोस्त है जॉर्ज, उसके घर में क्या है, मनी प्लांट है। आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड अपवर्ड, इट लुक्स लाइक इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, लुक देयर इज अ वाइन वाइंडिंग अप दिस टॉल ट्री, एक्सक्लेम राज। राज ने कहा कि देखो वहाँ पर क्या है, एक बड़ी सी बेल है, वाइन मतलब बेल, जिसने क्या किया है, एक बड़े से ट्री को पूरा वाइंड अप किया है, पूरा उसको क्या किया है, ऐसा सर्कल किया है। देन गोपो अग्रीड, वाव यस, माई फ्रेंड जॉर्ज हैज़ अ मनी प्लांट इन हिज हाउस। उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है जॉर्ज, उसके घर में भी मनी प्लांट है। आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड्स अपवर्ड, तो मैं तो सरप्राइज हो गया तो उसे देख कर कि ये ऊपर कैसे मूव हो रहा है। इट लुक्स लाइक इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल, ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वॉल पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। Then Simmi explained that the money plant has a long and thin stem, it cannot stand up by itself. तो Simmi ने explain किया वहाँ पर कि money plant क्या है, एक long कैसा रहता है उसका stem, long and thin रहता है और वो खुद itself मतलब वो जो है उसका stand वो खुद ऐसा खड़ा नहीं रह सकता। If it finds nothing to climb on, अगर उसे climb करने के लिए कुछ नहीं मिला तो क्या होता है, it just creeps and spread on the ground, तो वो नीचे फैल जाता है ग्राउंड पे। द पंपकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू, आई सॉ इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड, सेड राज। तो राज ने कहा कि पंपकिन जो है वो क्या है, क्रीपर है, मैंने उसे देखा है कि उसकी ब्रांचेस ग्राउंड पर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, हाउ थीन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स, द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट फॉर सपोर्ट आर क्लाइंबर्स, जो क्या करते हैं, जो सपोर्ट के लिए दूसरा प्लांट यूज करते हैं और क्लाइंब करते हैं उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स। एंड द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलॉन्ग द ग्राउंड आर क्रीपर्स, और जो ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं उन्हें कहते हैं क्रीपर्स। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब। अब कुछ कुछ क्लाइंबर ऐसे रहते हैं कि जिस प्लांट का वो सपोर्ट लेते हैं ना उन्हीं से वो खाना भी लेते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। देन क्लाइंबर्स, यहाँ पर देखिए पिक्चर्स दिए हैं, मनी प्लांट, जास्मिन, देन बॉटल गोर्ड, क्रीपर्स, वाटरमेलन एंड पम्पकिन।
इज दिस अ क्रीपर ऑफ और अ क्लाइंबर, ये क्रीपर है क्लाइंबर है, बताना है. देन व्हाट कैन यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, ये क्या है, स्नेक गोर्ड का, यस स्नेक गोर्ड का प्लांट है, इसको आपको आपके लोकल लैंग्वेज में आप इसे क्या बोलते हैं वो लिखना है. देन यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्टिविटीज दी हैं. मेक फ्रेंड्स विद प्लांट, चूज वन प्लांट प्रेफरेबली अ श्रब विद अ थिक स्टेम और अ ट्री दैट यू वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद. यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ और विद अ ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट. तो आपको क्या करना है, एक श्रब या फिर एक ट्री आपको क्या करना है, चूज करना है. देन नेम योर प्लांट जस्ट लाइक यू माइट नेम अ पेट, जैसे हम अपने पेट के लिए नाम रखते हैं ना, वैसा ही नाम उस प्लांट के लिए रखना है. टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट ईच डे, ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड. तो रोज उसकी केयर करनी है, रोज उसे पानी देना है, सब सब देखना है उसका. नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली, हियर आर द फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व. इट लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, आर देयर मेनी अ फ्यू और नो लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब सारे ऑब्जर्वेशन क्या करना है आपको, रिकॉर्ड करने हैं और उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है, टाइम एंड डेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, देन मंथ, देन वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और हर दिन उस प्लांट को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. और यहाँ पे उन्होंने एक टेबल भी दिया है. देन एक्टिविटी 3, डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट, डू द कलर्स ऑफ लीव चेंजेस एज दे ग्रो लार्जर, देन डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड, डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग और नोटिस एनी फ्रूट, देन व्हाट आर अदर ऑब्जर्वेशन यू हैव. ये सारे आपको नोट डाउन करके रखने हैं. देन राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक. चलिए अब नीचे है लीव्स के बारे में. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर शेप्स एंड साइजेस. अब हम देखते हैं ना अपने आजू बाजू में कितने सारे प्लांट्स हैं, हर प्लांट के अलग अलग टाइप के लीव्स हैं, अलग शेप है, अलग साइज है और कलर भी अलग है. ग्रीन है लेकिन उसमें भी अलग अलग शेड है. तो यहाँ पर दिए है पीपल, मैंगो, देन लोटस, खेजरी. अब यहीं पर आप देख लो है ना, ये चारों भी लीव कितने अलग अलग हैं. देन नेक्स्ट पेज, ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग, ड्रॉ कलर एंड लेबल देम इन योर नोटबुक, देन डिस्क्राइब देयर कलर शेप साइज टेक्सचर स्मेल इन योर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, एंड देन व्हाट स्टेटमेंट कैन वी मेक अबाउट लीव्स आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी. देन लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल्स. राज टोल्ड सिम्मी, राज ने कहा सिम्मी को कि लिव्स की भी अलग अलग टाइप की स्मेल होती हैं, जैसे कि तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट, लेमन ग्रास है, ये इनकी जो स्मेल होती है बहुत अलग होती है और बहुत सुंदर होती है. सिम्मी टोल्ड राज, सिम्मी ने राज से कहा, हैव यू एवर रब अ मैंगो लीफ एंड स्मेल इट, आई लव द स्मेल. उसने कहा कभी तुमने ऐसे किया है कि मैंगो लीफ का रब करके उसको स्मेल किया है, मुझे वो स्मेल बहुत पसंद है. राज एडेड, तो देखो राज ने क्या कहा, दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ माई लव ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज, कि ये जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है तो मुझे किस चीज़ की याद आ रही है, मैंगोज की लवली स्मेल. माई ब्रदर इज़ नॉट एबल टू सी, उसने कहा कि मेरा एक भाई है जो देख नहीं सकता, बट ही कैन इमिजिएटली स्मेल एनी फ्रूट्स नियर बाय लाइक मैंगो, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, ग्वावा और जामुन. लेकिन वो क्या कर सकता है, स्मेल करके इमिजिएटली कोई भी फ्रूट जो है उसके आसपास रखा हुआ है, जैसे कि मैंगो, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, ग्वावा, जामुन, वो क्या कर सकता है, उसे आइडेंटिफाई कर सकता है. देन यहाँ पर एक्टिविटी 3, देन पार्ट्स ऑफ प्लांट. वाइल लर्निंग अबाउट प्लांट्स वी यूज द नेम्स ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स. और आपको सारे पार्ट्स ये पता भी है कौन से हैं, तो ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आपको पता है, देन मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लेबल दें. अब यहाँ पर आप देखिए, एक ना टोमेटो प्लांट दिया है, वहाँ पर स्टेम दिखाया है, देन रूट्स और साइड में देखिए फ्लावर्स, फिर क्या है लीव, देन फ्रूट्स एंड देन सीड्स. गेट टू नो बार्क, अब ये बार्क क्या होता है, आपने ट्रीज के ट्रंक देखी होंगी, उसके ऊपर एक ब्राउनिश कवर रहता है ना, कवर के जैसा, एक हार्ड कवर जैसा रहता है, उसे कहते हैं बार्क. बार्क इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री ट्रंक, टच एंड लुक केयरफुली एट द बार्क ऑफ द ट्री.
हर ट्री का ना, हर ट्री का जो बार्क होता है उसका अलग अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है, हर चीज़ अलग होती है। डू यू सी एनी एनिमल इंसेक्ट और प्लांट्स ऑन इट? प्लेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बार्क, जेंटली मूव अ क्रेयॉन और अ पेंसिल रिपीटेडली ऑन इट, सी व्हाट यू हैव। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और वो बार्क के ऊपर ऐसे प्रेस करना है, हाथ में क्रेयॉन लेना है और उसे सिर्फ उसके ऊपर रिपीटेडली मूव करना है, और जब ये सब आपका हो जाएगा तब आप देखोगे कि उसके ऊपर एक पैटर्न बन चुका है पेपर के ऊपर। राइट द नेम ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर, बैक साइड में आप ट्री का नाम लिख दो। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सी इफ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाय लुकिंग एट हिज बार्क पैटर्न। अब ऐसा ही करना है, एक एक लीफ लेना है, बार्क के ऊपर रखना है, क्रेयॉन से क्या करना है, उसको क्रेयॉन को मूव करना है वहां पर, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर पैटर्न बन जाएगा और उसी पेपर के पीछे उस ट्री का आप नाम लिख दो। देन सारे पेपर ऐसे फ्रेंड के साथ कब कलेक्ट करो और जस्ट ट्राई करो कि आपको समझ में आता है कि अगर आपने बार्क का पैटर्न देखा तो उससे आप ट्री पहचान सकते हो क्या। देन डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऑन द प्लांट, ये भी नोटिस करना है। वॉट वेयर दे डूइंग, अब आपको पता है ये बार्क ना छोटी छोटी गैप होती है, वहाँ पर बहुत सारे कीड़े रहते हैं, है ना, और कुछ कुछ बर्ड्स रहते हैं जैसे उड़ पे करे, वो क्या करता है, वो ऐसे ट्रंक में होल बनाता है, उसी में रहता है। देन वॉट आर दे डूइंग, क्या करते हैं ये लोग, यस yes, ये है, ये जो प्लांट है ना ये उनका शेल्टर होता है। देन शुगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन स्टेम, देन बाम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास, और ये है फ्लावर राफ्लेशिया का, सीन इन मिजोरम, इज द बिगेस्ट फ्लावर एंड इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला। लेकिन ना इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, हम उसके पास जा भी नहीं सकते हैं। चलिए लेट अस रिफ्लेक्ट, वॉट वुड हैपन इफ देर वेर नो प्लांट्स, क्या होगा, हमें प्लांट्स से क्या मिलता है, सबसे मेन चीज ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यस यहाँ पर लाइफ ही नहीं रहेगी अर्थ के ऊपर। देन देखिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्हीं की वजह से हमें वेजिटेबल मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, फ्रूट्स मिलती हैं, तो अगर प्लांट्स नहीं रहते तो हम लोग कुछ भी नहीं रहते यहाँ पर। देन हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो, क्या काम होता है रूट का, सबसे पहले वो क्या करता है, प्लांट को होल्ड करके रखता है ज़मीन में, देन इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल। देन थर्ड वॉट इज़ द रोल ऑफ स्टेम, स्टेम का क्या काम है, जो वाटर रूट एब्जॉर्ब करके रखता है ना वो हर जगह पहुंचाने का पाइपलाइन का काम कौन करता है, स्टेम, और वो प्लांट को सपोर्ट देता है। देन राइट लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल पार्क और नियर योर होम, आइडेंटिफाई व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट दे आर, ट्री श्रब हर्ब ग्रास क्लाइंबर और क्रीपर। देन विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट, अब उसमें से ये भी ढूंढना है आपको कौन सा पर्टिकुलर प्लांट देखकर आप पहचान जाते हो। कुछ कुछ बच्चे स्टेम देखकर पहचान जाएंगे कि अरे ये तो स्टेम एकदम थीन है, देन क्या है जल्दी से मुरझाता है तो ये हर्ब है, ट्री तो आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, वाई इज इट योर फेवरेट।